कैसे थे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा इससे की जाने पाए सारे जान भले ही जाए संविधान होगा उसके अपराध दो कौमीदारों के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न होगा मान्यवर रमन बल्ला जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इसके साथ बर्थडे वाले फ्लैग होस्टिंग जो है वो की जाएगी। पहले अगर बात करें तो बल्ला साहब को आज के दिन की अगर बात करें तो मुबारकबाद देते सर। कांग्रेस का फाउंडेशन डे है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह, हमने कांग्रेस का ध्वज लहराते हुए उनको मुबारकबाद में पेश किया। 1885 की संघीय बुनियाद जो थी, आज हिंदुस्तान अगर हवा में बातें करता है उसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हम सारे फख्र महसूस करते हैं कि उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अपनी जान गवा दी देश की एकता और अखंडता की खातर। और उस वक्त अगर हम समझे कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हो, स्वर्गीय राजीव गांधी हो, सरदार बेअंत सिंह जैसे हो, आसाम के चीफ मिनिस्टर के परिवार के सामने उस आतंकवाद की भेंट यहाँ पे चढ़े, लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुटता दिखाते हुए उन ताकतों से लोहा लेने के लिए हमेशा यहाँ पे सक्रिय है। 1885 के बाद आज अगर हवा में बातें करते जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिस ढंग से रेलवे नेटवर्क, एयरपोर्ट, दीगज बड़े अस्पतालों का निर्माण करना, स्कूल कॉलेजों का निर्माण करना, वही एक संज्ञा बुनियाद थी जिसके माध्यम से आज हिंदुस्तान आगे की ओर जा रहा है। और उसके बनिस्बत आज जो सत्ताधारी पार्टी है जो देश की संपत्ति 1885 के बाद नेताओं ने बना के रखी थी उनको बेचने का काम यहाँ पे किया, जमहूरियत को बुलडोज करने का काम किया, आज हम प्रण लेते हैं कि कांग्रेस की उस विचारधारा को घर घर तक यहाँ पे पहुँचाएंगे जन जागरण अभियान के माध्यम से उन ताकतों से लड़ने के लिए, ताकि ये सरकारें मजबूर हो कि जो महंगाई बढ़ती हुई महंगाई है उसमें रोकथाम लगा दे, गरीब आवाम का चूल्हा जल पे जो शायद इसकी जन विरोधी नीतियों के माध्यम से गरीब जो है वो अनदेखा हुआ है। और आज के इस दौर में हम संकल्प लेते हैं कि हम मिलजुल के इस कार्य को आगे की ओर बढ़ाएंगे, भाईचारे को ताकतों को मजबूत करेंगे ताकि हिंदुस्तान और हमारी रियासत का दर्जा पूरी तौर पर हमें वापस मिले, जिसके लिए हमारे सारे लोग जो है वो परेशान हैं, जिस ढंग से डिग्रेशन यहाँ पे मिली आज के दौर पर हम संकल्प लेते हैं हम उसके लिए भी संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे।